मैंने कोल्ड ड्रिंक लेने की सोची पर वो थोड़ी सी एक्सपायर टाइप की लग रही थी उसकी। इसकी एक्सपायरी आप मेरे को दे रहे हो और मैं इसकी सील नहीं खोलता तो ठीक था। एडवोकेट हूँ भैया मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप मान नहीं रहे हो आपकी गलती, इसलिए बना रहा हूँ मैं। अब आप बेसबाजी मत करो, आपको मैं दे रहा हूँ। अरे भैया कर रहे हो आप एहसान दे रहे हो तो समझ गए ना आप। हाँ जो भी फ्रेम आती है नहीं तो 20 रुपए दो। हेलो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी अपन स्कूल से आ चुके हैं और होमवर्क हो चुका है तो अपन ने सोचा क्यों ना आपको आज का सीन बताएं। अभी सीन कुछ ऐसा बना है कि मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करनी है, डीमार्ट जाना है। तो वैसे जा तो पापा हमारे से, पर अपने पापा से एक बार जिद कर ली कि मुझे लेके जाओ मुझे लेके जाओ, तो पापा उनको फाइनली ले जाने के लिए तैयार है तो अपन भी चलते हैं अभी। अभी अपने कुरकुरे और कुछ पास्ता टाइप के कुरकुरे लिए हैं तो अपने कोल्ड ड्रिंक लेने की सोची पर वो थोड़ी सी एक्सपायर टाइप की लग रही थी उसकी डेट उसके ऊपर लिखी हुई नहीं थी तो अभी अंकल चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसका सिस्टम। बोलता तो आप किसी और को भेज देते इसको ऐसा। बेचने की बात नहीं कर रहा हूं यार। इसकी एक्सपायरी आप मेरे को दे रहे हो और मैं इसकी सील नहीं खोलता तो ठीक था। एडवोकेट हूँ भैया मैं एडवोकेट हूँ मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप मान नहीं रहे हो आपकी गलती, इसलिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है जो इसके प्राइस की जो हो दो। हाँ आपके पास पड़ी है जो 20 रुपए वाली वो दो। ये क्या लेमनोटा है नींबू वाला, ये तो 10 की है। हाँ 10 की है भैया। हाँ नुकसान में वो भी कंपनी का नुकसान ग्राहक सहन करेगा क्या यार। मैं बात वो नहीं कर रहा। हाँ अब मेरे को ये चाहिए नहीं, मुझे पैसे दे दो आप। नहीं चाहिए मुझे फिर ये। आप कोल्ड ड्रिंक दो ना भैया मेरे को। मेरे को ये चाहिए नहीं, ये पहले लेता मेरे को चाहिए होती तो। अब आप बेसबाजी मत करो, आपको मैं दे रहा हूँ प्यार। अरे भैया कोई आ रहे हो आप एहसान दे रहे हो तो समझ गए ना आप। हाँ तेज आवाज में बोलना, हमें भी आता है। ये क्या दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। 20 रुपए की जो आती है मेरिंडा माजा कोला या जो भी फ्रेम आती है, नहीं तो 20 रुपए दो। 20 रुपए दो वापिस। पैसे दे रहे हो कहाँ दे रहे हैं आपने सील तो दे रही उसके। अरे सील नहीं गिरा कोले का नहीं क्या, इसको चेक कर लो। फालतू की वो कर रहे हो यार जबरदस्ती की। क्यों नहीं देंगे, क्या कोऑपरेट कर रहे हो आप मेरे को। ये कोई जबरदस्ती का कोल्ड ड्रिंक पीने आया था मैं यहाँ पे। हाँ तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि उससे पहले तो नहीं करी थी मैंने, सिंपल तरीके से बात करी थी आपसे। आप ये वीडियो बना रहा हूं ना, हाँ मुझे पता है वीडियो। बिल्कुल बना रहा हूं, मैं तो सामने बना रहा हूं, बोल थोड़ी रहा हूं आपको। क्या नहीं चाहिए, शर्मा नहीं चाहिए मेरे को। इतने बड़े होने के बाद भी ठाकुर में आ चुके हैं, ये बड़ी मस्त बात है। उनको तो मजा ही आ जाएगा, नहीं थकना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम होगी गाइस। यहाँ पे कुछ बिस्किट्स भी हैं जो कि बहुत बोरी है। नहीं बन बन लाओ तेरा बन बन ये खा रहा है अंकुर ने, तूने कल परसों। हाँ हाँ इसका थोड़ा सा बड़ा पैक ले लो इस बार तो ये अपन को अच्छा लगा जाए। तो बिस्किट वगैरह ही लेते हैं तो लेते हैं अपनी कुछ काम की चीज़ें और देखते हैं क्या क्या काम में आता है अपने। तो गाइस यार अभी अपन को 2 दिन की छुट्टी से तो याद आया नहीं अपना SST का चार्ट बनाने का काम है, तो अपन ने भी डीमार्ट में बताया मम्मा को, तो मम्मा तो गुस्सा हो गई शायद से। अपनी थप्पड़ वाली पूजा भी हो सकती है घर चल के। ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी ने कहा था कि मिक्सर टाइप की जो भी है वो ले लेना सारी। ट्रॉली चला रहे हैं और ट्रॉली चलाने में इतना मजा आ रहा है, जहाँ पे भीड़ नहीं होती ना, था खुला रास्ता हो रहा है वहाँ पे, तो अपन उसकी सीधा बुगाटी बना के भगाए जा रहे हैं, मजा आ रहा है अपन। यहाँ पे तो बोरी हो गई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है सामने देख सकते हैं। हमको तो अब पता पड़ा मम्मा पता नहीं कहाँ गई हुई है अभी तो। यहाँ पे हो रही है बहुत भीड़, आप देख ही सकते हैं। अब अपना नंबर कितने पता नहीं कितने दिन बाद आएगा अपना नंबर जब अपन जाएंगे यार। बहुत बोर हो गए खड़े हुए यहाँ पे पापा के साथ, और यहाँ पे सबकी रेट से छेड़खानी कर रहे हैं, रेट को एडजस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पर बोर ही हो जा रहे हैं गाइस। 2000 years later
तो गाइस 2 करोड़ साल बाद अपनी शॉपिंग पूरी हुई और अभी अपन खा रहे थे इनसे आइसक्रीम जो कि वनीला और चॉकलेट को मिक्स करके है। तो गाइस अभी अपन लग गए गाड़ी। गंदा दरवाजा है बड़ा। हाँ अब बैठते पर अभी अपनी शॉपिंग हो चुकी है गाइस। शॉपिंग के भी बीच में है ना बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही थी और यार आज का तो पूरा दिन ही अजीब है। अभी यार आपने देखा अपने साथ दुकान पे क्या पोपट हो मतलब यार आपने देखा अपने साथ दुकान पे क्या पता नहीं क्या हो गया वो उसकी डेट ही नहीं दिखाई दे रही है एक्सपायरी चीज मिल गई अपन को। फिर थोड़ा 2-4 मिनट तक चला आपने देखा ही होगा। तो अब चलते हैं घर। डिमांड से आ चुके शॉपिंग करके। आपने देखा ही होगा बिलिंग की लाइन तो बड़ी लंबी थी और यार बिलिंग की लाइन में भी दो चार प्रॉब्लम हो गई थी पर कोई नहीं गाइस चलता है इतना। तो जैसे कहते हैं आज का दिन ही थोड़ा अजीब था अपन ने आपको बताया था पर कोई नहीं अगर आपकी लाइफ है तो लाइफ में ऐसी अजीब अजीब चीज़ें तो होती रहती है। तो फटाफट से घर पर चल के खाना खाते हैं। देर रहा है ना थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही है अपने आइसक्रीम खाई थी पर चलते हैं। और आज के लोगों करते हैं पे एंड आपको लोग अच्छे लगा तो लाइक करना चैनल पर ना तो दूसरा चैनल मिलता है। टेक केयर बाय।